नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री बंशीधर नगर कांग्रेस के बागी मानस सिन्हा ने शनिवार को नाम वापसी के दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने एमपी के वन मंत्री उमंग श्रृंगार की मौजूदगी में अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर निर्वाची पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण के समक्ष अपना नामांकन वापस लिया। जानकारी देते चलें कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट के रेस में थे, किंतु पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पार्टी ने कुछ माह पूर्व सपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए केपी यादव को टिकट थमा दिया था, जिससे वे नाराज हो गए और पार्टी से बगावत कर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया था। मानस सिन्हा ने पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया था तथा पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम किया था। बाद में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में के निर्देश पर यहां पहुंचे एमपी के वन मंत्री उमंग श्रृंगार के द्वारा उन्हें काफी समझाने बुझाने के बाद मानस सिन्हा मान गए और अपना नामांकन वापस ले लिया। मानस सिन्हा ने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी के द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने के कारण वे नामांकन दाखिल किए थे, किंतु केंद्रीय नेतृत्व बड़े भाई एमपी के वन मंत्री उमंग श्रृंगार के आश्वासन के बाद वे नामांकन वापस लेने का फैसला लिए। उधर एमपी के वन मंत्री उमंग श्रृंगार ने कहा कि मानस सिन्हा पार्टी के एक ऊर्जावान नेता हैं। वे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यहां आए हुए हैं। उनके कहने के बाद मानस ने अपना नामांकन वापस लिया है। मानस सिन्हा पार्टी के पद पर बने रहेंगे। जिस प्रकार से मुझे पार्टी में सोनिया जी का संदेश है, माननीय हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी का संदेश है कि पार्टी को एकजुट रखना है, और उसी इसमें सामान्यतः यही होता है कि कोई भी पार्टी में जब कोई खड़ा होता है उसे हमें सम्मान साथ में पार्टी के साथ रखना, वो कांग्रेस को जिताना, उसी के तहत मैं नगर उठारी आया हूँ। और चूंकि मानस सिन्हा एक युवा ऊर्जावान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यूथ कांग्रेस के अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, तो ऐसे लोगों की झारखंड के अंदर युवाओं की आवश्यकता है कांग्रेस को, तो हम चाहते हैं कि इनको सम्मानपूर्वक रखें और पार्टी को ये मजबूत करें झारखंड के अंदर। तो इसीलिए मानस जी ने पूरा मन बनाया कि हम पूरा पार्टी का सम्मान रखें। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह से मानस जी ने कहा कि राजाओं से, तो क्या लगता है आपकी कांग्रेस पार्टी जो है किसी है पार्टी का विरोध में खड़ा होगी या किसी व्यक्तित्व के विरोध? देखिए, जो जिस उद्देश्य से आया हूँ वो उद्देश्य मैंने पूरा किया। अब ठीक है, किसी के आपस में मनमुटाव होते हैं तो वो समय पे सब चीज़ें हो जाएगी। सर, सब वन मंत्री हैं, वहाँ टी एस वहाँ स्वास्थ्य मंत्री, आपके कार्यकारी अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठा दिए, आप क्या कहेंगे, आप बात करिएगा। देखिए, ऐसा है कि अब महत्वपूर्ण है हमारे लिए चुनाव झारखंड का, और झारखंड में युवाओं जो आज महत्वपूर्ण पदों पे उनको भी संभाल करें, तो वो काम पूरा किया है, तो उसके लिए मानस जी तैयार है पार्टी के लिए पूरा सहयोग करने के लिए, वो कर रहे हैं। सर, चुनाव में कौन सोनिया आ रही, मनमोहन आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, अब जो भी स्टार प्रचारक है, आप भी स्टार प्रचारक, सोनिया जी से लेकर जितनी माननीय सम्मानीय सब, और ये तो नेचुरल बात है कि अब सभी पार्टी के भोनाथपुर सीट बचाना भी है ना जी, भोनाथपुर सीट बचाना भी है, बिल्कुल हर सीट हमारे लिए तैयार है, और यूपी की सरकार हमको बनाना है, इसके लिए भी तो पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, भोनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो स्थिति है, केपी यादव के अभी होना चाहिए थे अभी यहाँ पे, लेकिन वो आपसे शायद मिले भी नहीं है। नहीं, उनसे मेरी बात हो गई है, फोन पर चर्चा हो गई है, तो अभी चूंकि पार्टी के अंदरूनी बातें मैं मेरे ख्याल से आपको बताना उचित। धन्यवाद, थैंक यू। मंत्री मेरे बड़े भाई उमंग सिंघार जी, आदरणीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का संदेश लेके आए हैं, और उनका सीधा साधा इंस्ट्रक्शन है कि हमको विड्रॉ करना है, तो मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ, और इसलिए बड़े भाई के आदेश पर, आदरणीय सोनिया गांधी के आदेश पर, मैं आज अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूँ। कांग्रेस का था, हूँ और कांग्रेस का ही रहूँगा। कहाँ राजा का पार्टी था कांग्रेस, कहाँ कौन से सिपाही हो गए आप? देखिए, जो राजा ने गलती की है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि इसके में सरासर गलती आदरणीय टीएस बाबा की, स्वास्थ्य मंत्री जो भी, दोनों राजा मिलके ये काम किए हैं, और उसको इसका फल मिलेगा। ये राजाओं की पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी।
तो विरोध तो अभी भी है ना फिर? नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेस का हूँ, मैंने तो पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा गाड़ दिया है। अब जीत हार तो वो जनता डिसाइड करती है करेगी। पूरे प्रदेश में जो मेरा पद है मैं उस पर अच्छा बना रहूंगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का। तो फिर आपने नॉमिनेशन क्यों किया जी? नॉमिनेशन मेरा विरोध था कि आपने गलत डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन के अगेंस्ट में मैंने विरोध किया। मैं तो कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का जो भी रहेगा सबको सपोर्ट करूंगा। इतना जल्दी बदल जाना क्या लगता है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं बदलने क्या बात है? मैंने कब बोला कि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ? आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने यही कहा कि मेरा विरोध इस फैसले से है। मैं पार्टी का हूँ, कांग्रेस का हूँ ना, मैं तो रिजाइन किया हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस का। इसे हम लोग क्यों ना प्रेशर पॉलिटिक्स माने? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है, तो मेरा डिसीजन है। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, अगर अगर अभी अभी आपने सर बोला कि सोनिया जी का मतलब संदेश आया है, इसका मतलब सोनिया जी के प्रेशर में आकर आपने नाम लिया? सोनिया जी हमारी नेता हैं, सोनिया जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और मैं इस पार्टी में हूँ, कोई प्रेशर नहीं है। कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूँ। मतलब भरनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसको सपोर्ट रहेगा। अब आए नहीं है उनका देखना है। मैंने इस क्षेत्र में विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराया है, अब उनकी जिम्मेवारी है कि उसको कैसे कैसे। लोग आपको बाहरी बोलते हैं ये तो आप कहाँ खड़े हैं अभी? आप बताइए ना। ये तो बता रहा हूँ ना, 1800 का इतिहास है हम लोग का। जो राजा बाहरी बोलते हैं वो अपना इतिहास लेके आए, फिर मैं बताता हूँ कौन बाहरी है और कौन भीतरी। धन्यवाद।